बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज जो है हमारा चौथा रोज़ा है और कल जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि सेकंड रोज़े को जो है हम लोगों ने जो फर्स्ट रोज़े को जो चीज़ें बनाई थी, जो कि प्रीवियसली अभी आपने वीडियो देखी है उसमें जो चीज़ें बनाई थी, कबाब और चिकन नगेट्स, ये जो थे पहले रोज़े के जो हमारे पास बचे हुए थे, सारा कुछ वही मैंने बनाया था दोबारा से। और जो रूटीन थी पूरे दिन की वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। और शाम को जो अभी मैं यहाँ पे वॉइस ओवर स्टार्ट किया है वो बर्तन धोते हुए और चाय पीते हुए। तो अगली सुबह जो है थर्ड रमदान को सुबह नाश्ते में सहरी के टाइम पर मैंने अपने लिए पॉरिज बनाई थी। मेरे हस्बैंड को नहीं खाना करना था नाश्ता, उन्होंने सिर्फ खजूर ली थी और पानी पिया था और रोज़ा जो है वो रख लिया था। तो मैंने अपने लिए सिर्फ पॉरिज बनाई थी और खजूर, जैसा कि मैंने बताया था कि खुदरी पहले मैं दो दिन इस्तेमाल करती रही हूँ और कल से जो है सुकरी में लेकर आई हुई हूँ जो कि मेरी फेवरेट है। इसके लिए जो पॉरिज मैं बनाती हूँ इसके लिए, तो वो बना के मैं सहरी करूँगी। और फिर जाहिर है दिन के जो काम होते हैं सुबह छोड़ना पड़ा, बच्चों को स्कूल छोड़ के आए, वापस लेकर आए और अभी यहाँ पे बच्चे तैयार हो रहे हैं मदरसे जाने के लिए। मदरसे छोड़ने के बाद जो है अभी उनका मदरसे का जो टाइमिंग है वो चेंज हो गया है, तकरीबन सवा घंटे से भी कम जाते हैं, एक घंटे के लिए समझ लें, क्योंकि 5:10 उनका मदरसा स्टार्ट होता है और 6:15 जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो दरमियान में जो है काम करते हुए मुझे छोड़ के तो उनको वापस लेने के लिए जाना पड़ता है। तो ये थर्ड रोज़े के लिए जो है मैंने फ्रूट सैलड, यहाँ पे चीज़ें जो थी मेरे पास वो मैंने काट ली हैं। केला था, एप्पल था, पेयर थी, ऑरेंजेस, अंगूर और पीच था मेरे पास, तो वो मैंने काट के सारी चीज़ें एक बड़े बोल में डाली हुई थी क्योंकि सारा ज़ाहिर है एक दिन में ख़त्म नहीं होता है, एक एक चीज़ भी काटने से काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। थोड़ा सा पाइनएप्पल भी था, तो इसमें मैंने सिंपली योगर्ट शामिल किया है, हाफ़ मैंने निकाल दिया, हाफ़ जो है मैंने फ्रिज में रख दिया है, ये आज के लिए है। और बाकी का जो है इंशाल्लाह आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उसको हम जो है कुछ भी जिस तरह से भी बनाना चाहेंगे उसको बना लेंगे। सिंपली इसमें मैंने योगर्ट में थोड़ा सा डाला था चाट का मसाला और मिक्स करके तो इसको फ्रूट के साथ मिक्स कर लिया था। और बाकी चीज़ों में मैंने बनाया था पापड़ी चाट, उसके लिए आलू बॉईल करके, तो चने जो हैं मैं टिन के लेती हूँ वो मैंने रख लिए हैं। और यहाँ पे मैं हरी चटनी बना रही हूँ पापड़ी चाट के लिए, एक हैंडफुल धनिए का था, एक हैंडफुल से थोड़ा सा ज़्यादा पुदीना था और अराउंड 4 चिलीज थी ग्रीन, और ये लेमन है, एक पूरा डालूंगी मैं इसे और चॉप कर लूँगी चॉपर में।
और चटनी जो है हमारी ग्रीन वो तैयार हो जाएगी। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक का ऐड किया था, और इसको जो है जब मैं असेंबल करूँगी चाट को तो इसको साथ साथ डालती जाऊँगी। यहाँ पे चाट मसाला 2 टेबल स्पून ऐड किया है मैंने आलू और चने के अंदर, और एक ही छोटी दरमियानी साइज़ की प्याज जो है काट के इसमें वो शामिल करके तो मैं इसको असेंबल कर लूँगी। पापड़ी थी मेरे पास और साथ में मैंने इसके ऊपर डाला था जो सेव मिलती हैं बनी हुई सेवैयाँ सी नमकीन वो, और साथ में 2 मैंने इसमें पैकेट शामिल किए थे डोरीटोस के, जो कि हॉट वाली आई थिंक स्पाइसी वाला होता है डोरीटो रेड कलर का, वो इसमें शामिल किया था। साथ में जो इमली का ये रेडीमेड मिलती है चटनी, इमली का पल्प, ये शामिल करके तो सादा दही थोड़ा सा पतला करके दूध के साथ तो वो इसमें शामिल किया था। साथ में थोड़े से अनार के दाने शामिल किए थे। बहुत ही मज़े का और अच्छा टेस्ट बनता है इसका। मेरी बेटी को और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। मेरा बेटा तो वैसे भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं खाता है, तो बस ऊपर नीचे जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल के, पहले मैंने थोड़ी सी इमली की चटनी डाली है, दही डाला है, फिर पापड़ी डालकर ऊपर से बाकी की चीज़ें जो हैं सेव, और साथ में सेव मैंने एंड पे डाली थी। जो डोरीटो है क्रश करके पैकेट के अंदर ही बस उसको खोल के, ये अभी एक मैंने डाला है और एक जो है बाद में डालूंगी, हरी चटनी और फिर साथ में दही थोड़ा सा और थोड़ी सी इमली की चटनी और ऊपर से सेव डालकर और डोरीटो और साथ में जो अनार के दाने वो डाल के तो हम इसको रख देंगे इफ्तार के टाइम पे जो है हम इससे इफ्तारी करेंगे। साथ में मैंने थोड़े से शामी कबाब 3 फ्राई किए थे और 3 अराउंड 5 6 स्प्रिंग रोल जो है मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं वो थोड़े से फ्राई किए थे, और हमारा जो था इफ्तार वो रेडी हो गया था। तो यही जो है रूटीन रमज़ान की, क्योंकि रात के टाइम पे जब इफ्तारी के बाद घर के काम से फारग होते हैं, इफ्तार करने के बाद जो है मैं चाय पीती हूँ और कोशिश करती हूँ कि पहले बर्तन वगैरह धो लूँ, सफाई कर लूँ और उसके बाद जो है चाय पी हूँ 1 कप। मेरे हस्बैंड कभी पीते हैं और कभी नहीं पीते हैं, उनको चाय से इनको ज़्यादा है नहीं, तो मैं अपने लिए चाय का कप बनाती हूँ, और मिठाई है मेरे पास तो वो मैं थोड़ी सी ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि पूरे दिन की जो है शुगर का लेवल बिल्कुल डाउन हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि शुगर है लेकिन फिर भी ज़रूरत महसूस होती है। तो फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ चाट की यहाँ पर, और बाद में टेबल पे जब सारी चीज़ें रखी होंगी, खजूर वगैरह सारी बाकी चीज़ें ड्रिंक्स वगैरह और चाट फ्रूट चाट पापड़ी चाट और स्प्रिंग रोल साथ में शामी कबाब, तो यहाँ पे मैं शामी कबाब जो है सिंपली ये अंडे में डिप करके, अंडे में थोड़ा सा मैं दूध डालती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर अच्छा। यहाँ पे मैं साथ में जो बचेगा 3 ही फ्राई करूँगी और मैं जो अंडा बचेगा साथ में डाल दूँगी। अगर इस तरह से जैसे अभी मैंने रखे हैं इस तरह से फ्राई करें तो बिल्कुल क्लीन बहुत ही प्यारे लगते हैं, और उस तरह से ज़ाहिर है फैल जाता है अंडा तो थोड़े से आउट ऑफ शेप लगने लगते हैं, लेकिन ओबियसली अगर जब आप किसी को मेहमान वगैरह आए हों सर्व करने हों तो इस तरह से तो आप नहीं बनाते। तो मैंने सोचा कि ज़ाया करने से बेहतर है कि इसको मैं साथ में डाल के फ्राई कर लूँ, खा लेंगे अंडे को, ज़ाया नहीं होगा। तो स्प्रिंग रोल जो थे वो भी मैंने इसी थोड़े से ऑयल में फ्राई किए थे थोड़े से डिफ्रॉस्ट करने के बाद। तो ये थी हमारी इफ्तारी, और मैं बता रही थी कि जो रूटीन है रात की सोने की वो तकरीबन 1 घंटे से भी कम मिलता है बिटवीन इफ्तार और सहरी के दरमियान, और सुबह सहरी के बाद जो है बच्चों के लिए उठना होता है, स्कूल जाना होता है बच्चों ने, तो उस टाइम पे भी अराउंड हाफ एन आवर या 1 आवर होता है हमारे पास सोने के लिए, जो कि ज़ाहिर है पानी वगैरह पिया होता है तो बाथरूम जाने की काफ़ी ज़रूरत महसूस होती है, तो फिर वो भी नींद नहीं आती है। तो फिर जो है बच्चों को ड्रॉप करने के बाद में पहले मेरे हस्बैंड किया करते थे रोज़ू से पहले, और अब जो है क्योंकि उनको काम पे जाना होता है तो उनको मैंने कहा हुआ है कि आप सो लिया करें और फिर जो है मैं खुद बच्चों को ड्रॉप करने के। Right, yeah.
स्कूल में खुद ड्रॉप करती हूँ और इस वजह से जो है फिर मैं वापस आके सोती हूँ और बस इसी तरह से दिन की रूटीन जो है हमारी पूरी होती है। यहाँ पे मैं शाम को तरावी जो है वो सुन रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी जो इमाम साहब हैं तरावी पढ़ा रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।